हेलो गाइस, आज का फिंगर इंस्टॉलेशन है, मुझे रिक्वेस्ट आया था कि जो किया है मी का लेटेस्ट वर्जन टू मी जो मैंने देखा फिंगर इंस्टॉल वर्जन का लेसन आज आपको मैं देने वाला हूँ शॉर्ट वर्जन पे। सो कैपो इज ऑन थर्ड फ्रेड, अब स्टार्टिंग में कुछ इस तरह से हमें अप्लाई करना है। इसमें आपको ई मेजर कॉर्ड पकड़ेगी, याद कीजिएगा ई मेजर कॉर्ड में हमें क्या करना है, 6-3 जब हम साथ में 6-4 जब हम साथ में पेक करेंगे तो इस तरह से यहाँ पे हार्ट बीट भी दे देना है। फिर उसके बाद 3-2 लर्किंग कर देना है, 6-4 साथ में पेक, 3-2 दोबारा रिपीट। अब ए सस 2 के स्केल पे इस तरह से पकड़ना है आपको, और इसमें क्या करना है पिकिंग, आपको 5-3-2 साथ में पिक करेंगे तो बीट भी साथ में देना है। अब कंटिन्यूस स्पीड पे बीट करना है हमें, सेकंड स्ट्रिंग का 6 जब हम करेंगे तो थर्ड स्ट्रिंग को भी साथ में पिक करना है कंटिन्यूसली, थर्ड स्ट्रिंग का 6-4 ओपन 4 ओपन और 4-3 साथ में पिक करना है। सो नोट करेंगे तो हम सेकंड स्ट्रिंग पे 3 को भी हमें साथ में पिकिंग करना है इस तरीके से। सो इसमें हमें इस कंटिन्यूसली इस डाउन डाउन स्पीड करना है इस तरीके से, स्टार्टिंग है ई मेजर और ए सस 2 पे। इस तरह से करके अब गाने के मेन वर्ड्स पे हमें क्या करना है इस तरह से अप्लाई करना है। सो देखिए इसमें हम मेन वर्ड्स पे क्या करना है, फर्स्ट स्ट्रिंग ओपन करके 4 पे हैमर ऑन कर देना दो बार, इसका 6 स्ट्रिंग का 6 सेकंड स्ट्रिंग का 6 में पकड़ के जी के स्केल पे 6-3 साथ में पिक करते वक्त आपको एक बीट दे देना है इस तरीके से। अब पकड़ना है हमें थर्ड स्ट्रिंग का 10 सेकंड स्ट्रिंग का 11 फर्स्ट स्ट्रिंग का 10 पे पकड़ के इस पर आपको इस तरह से डाउन स्लैपिंग कर देना, ऑनली डाउन स्लैपिंग, डाउन डाउन, और फिर खाली एक बीट दे देना कुछ इस तरीके से करके। अब नोट अप्लाई करना सेकंड स्ट्रिंग के 6-8 पे हैमर ऑन दो बार, लेकिन इसमें क्या करना सब स्ट्रिंग म्यूट रख के हमें सिर्फ एक डाउन डाउन थोड़ा स्लैपिंग फ्लेवर अप्लाई करना है करके। अब ए माइनर कॉर्ड पकड़ के 5-3-2 साथ में पिक करना, लेकिन बीट भी साथ में देना है। उसके बाद पकड़ना है आपको थर्ड स्ट्रिंग का 8 सेकंड स्ट्रिंग के 8 फर्स्ट स्ट्रिंग के 8 में प्रेस करके ऑनली इसमें डाउन स्लैपिंग कर देना दो बार, और लास्ट फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन करके आपको बीट भी साथ में कर देना है से कुछ इस तरीके से फर्स्ट पे। फिर रिपीट फर्स्ट सीक्वेंस, सो देखिए यहां तक फिर से रिपीट करके अब एक नोट अप्लाई करना थर्ड स्ट्रिंग का 10-12-10-8 कर देना है, 10-12-10 पे आपको क्या करना है इस तरह सभी स्ट्रिंग म्यूट करके ऑनली डाउन डाउन कर देना है इस तरह से करके। अब इसी 8-8-8 पे पकड़ के आपको क्या करना है 6-3 जब हम साथ में 5-3 साथ में जब हम पिक करेंगे तो क्या करना है बीट भी साथ में देना है, फिर इसी कॉर्ड पे आपको डाउन डाउन भी कर देना है, और फिफ्थ स्ट्रिंग फिर से ओपन करते वक्त बीट भी साथ में देना है कुछ इस तरीके से। अब फिर हम नोट अप्लाई करना इस तरीके से, इसमें क्या करना है आपको फर्स्ट स्ट्रिंग का 8-10-8 अब पकड़ना कॉर्ड, अब ट्रायड से पे थर्ड स्ट्रिंग का 7 सेकंड स्ट्रिंग का 8 फर्स्ट स्ट्रिंग का 7 पे पकड़ के ई के स्केल पे इसमें आपको पकड़ना है फिर 6-2-1 साथ में पिक करते वक्त बीट भी साथ मतलब बीट भी साथ में देना है, और इसी कॉर्ड पे आपको डाउन डाउन स्लैपिंग, और 6 स्ट्रिंग ओपन करते वक्त आपको बीट भी फिर से साथ में देकर एंडिंग कर देना है इस तरह से करके। अब हैमर ऑन करना है फर्स्ट स्ट्रिंग 7-8 पे सेकेंड स्ट्रिंग का 10 फर्स्ट स्ट्रिंग का 7 अब जब हम 8 में प्रेस करेंगे फर्स्ट स्ट्रिंग पे इसमें क्या करना है फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन करके बीट पे साथ देना है, और लास्ट में पकड़ना थर्ड स्ट्रिंग का 10 थर्ड स्ट्रिंग का 12 सेकेंड स्ट्रिंग का 13 फर्स्ट स्ट्रिंग का 12 पे पकड़ के इस पर आपको क्या करना ओनली डाउन डाउन और फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन करके बीट में साथ में देना है कुछ इस तरीके से। अब दूसरा अप्लाई करना इस तरीके से, इसमें क्या करना ए मेजर के स्केल पे फिफ्थ स्ट्रिंग सेकंड स्ट्रिंग ओपन करके पहले 5 पे हैमर ऑन कर देना दो बार,
उसके बाद पकड़ना थर्ड स्ट्रिंग का फाइव और फिफ्थ स्ट्रिंग अप बंद करके फाइव थ्री साथ में पिक करते वक्त आपको बीट भी साथ में देना है। फिर इसी में ए मेजर कॉर्ड पकड़ना है और इस पर आपको डाउन डाउन फिर फिफ्थ स्ट्रिंग ओपन करते वक्त बीट भी फिर साथ में देना है कुछ इस तरीके से करके। अब फिर अप्लाई करना थर्ड स्ट्रिंग का फाइव सेवन पे हैमर ऑन दो बार, लेकिन आपको स्लैपिंग भी देना दो बार इस तरीके से करके। अब सिक्स स्ट्रिंग का सिक्स थर्ड स्ट्रिंग ओपन करके सिक्स थ्री साथ में पिक करते वक्त बीट भी साथ में देना है। फिर इस तरह से आपको जी मेजर कॉर्ड पकड़ के इसमें आपको डाउन डाउन फिर इस सिक्स करते वक्त आपको बीट भी साथ में देना है सो कुछ इस तरीके से। फिर लास्ट थर्ड स्ट्रिंग का क्या अप्लाई करना है आपको, इससे फिर थर्ड स्ट्रिंग का ओपन करके फाइव पे हैमर ऑन कर देना दो बार, लेकिन ओनली डाउन डाउन स्लैपिंग करके करके। अब एफ मेजर कॉर्ड पकड़ के आपको फाइव फोर साथ में जब हम पिक करेंगे तो बीट भी साथ में देना है। फिर सिंगल स्लैपिंग कर देना दो बार, फिर फिफ्थ स्ट्रिंग करेंगे तो हमें क्या करना है बीट भी फिर साथ में देना है सो कुछ इस तरीके से करके। अब लास्ट इसी एफ में पकड़ के आपको सिंगल स्ट्रम सेकेंड स्ट्रिंग ओपन थर्ड स्ट्रिंग कर देना है और लास्ट में ई मेजर कॉर्ड पकड़ के आपको क्या करना है डाउन स्ट्रमिंग स्लैपिंग कर देना है डाउन स्लैपिंग इस तरीके से, लेकिन आपको बीट भी साथ में देना है स्पीड में इस तरीके से करना है। सो कुछ ही आपको मैं स्टार्टिंग से बताऊंगा, ये पार्ट अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। सो बहुत ही अच्छे फिंगर स्ट्राप स्लोली करके प्रैक्टिस कीजिएगा। सो याद कीजिएगा इसमें ओनली आपको ध्यान देना है इसमें स्ट्रिंग पैटर्न और बीटिंग और टाइमिंग कुछ इस तरीके से। ये टाइमिंग पे आपको पूरा फिंगर स्ट्राप अप्लाई करना है, बीट डाउन स्लैपिंग दो बार, बीट स्लैप, बीट स्लैप। तो इसी को आपको अप्लाई करके नोट भी सेम अप्लाई करना है। इस बीट को आपको कंटिन्यूसली रखना है, सिर्फ हमें नोट के अप्लाई करके आपको स्लोली करके प्रैक्टिस कीजिएगा। टिल देन कीप प्रेसिंग, कीप प्लेइंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।